बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। दिस इज़ ओवर 15th लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आवर टॉपिक इज ट्रस्ट इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। हाउ मच वी हैव आवर ट्रस्ट इन आवर कंप्यूटर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दिस इज द रिसर्च पेपर आई चूज फॉर योर लेक्चर। इस रिसर्च पेपर में हम मैक्सिमम जो हमारा नॉलेज है ना वो कवर अप हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में भी, और रिगार्डिंग अबाउट योर ऑल्सो कवर द प्रीवियस टॉपिक डेट वी डिस्कस इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स। इट्स ऑल्सो वी डिस्कस इन दिस कोर्स, क्लियर। तो उसमें सबसे पहले इस रिसर्च पेपर को चूज़ करने का मकसद है कि थोड़ी सी आपको डिफरेंट रिसर्चर्स की जो हैं रिसर्चेस उनका आइडिया हो जाएगा कि किस तरह रिसर्च, ताकि आपका, क्योंकि यू आर इन द फोर्थ सेमेस्टर नाउ, आगे जाके आपको इस तरह के जो है वर्क करना पड़ेगा आपको फाइनल प्रोजेक्ट में या आगे MS लेवल पे। अच्छा है कि आप बैचलर लेवल में ही इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले रिसर्च के बारे में कि किस तरह रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, उनको पढ़ने की भी एक टेक्निक्स होती हैं, किस तरह लिखते हैं, डेट इज़ अनदर वे, ठीक है। तो लिखने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। एक पेपर है, एक आप जो अपना टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें और आपके रिसर्च पेपर में पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंट टेक्निक। थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं और उन टेक्निक्स को हम देखते हैं कि किस तरह हमने पढ़ना है, किस तरह हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ ये फिर सारा पेपर गो थ्रू नहीं करूँगी, आपको थोड़ा सा आइडिया दूँगी कि इसमें है क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है, और इसका एट द एंड कंक्लूजन क्या है। सो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं रीड आउट करूँगी और आपको एक एक चीज़ जो है एक एक पॉइंट बताऊँगी, अदरवाइज मैं ओवरऑल डिस्कशन करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपका जो है ये कवर अप हो जाए, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट है, द कंप्यूटर सिक्योरिटी कम्युनिटी हैज़ ट्रेडिशनली रिगार्डिंग सिक्योरिटी एज अ हार्ड प्रॉपर्टी डेट कैन बी मॉडल्ड एंड फॉर्मल प्रूवन अंडर सर्टेन एंड सिंप्लीफाइड अजम्पशन। सिंपल से वो सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हैं कि ये एक डिफ़िकल्ट थिंग है, इसके बारे में डिफरेंट अजम्पशंस रखना और डिफरेंट हम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, डिट इज़ वेरी, उसको मॉडल करना और उसके लिए इसको मेंटेन करना सबसे पहले वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी अज्यूम डेट कंप्यूटर यूज़र आर आइदर मलिशियस। जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं या सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट जो हैं हमारी टेक्नोलॉजीज हैं यूज़र जो यूज़ करते हैं जिसमें मलिशियस में जैसे कि हैकर्स हैं, कोई हैकर्स और स्पाइस कोई हमारी सिक्योरिटी को हैक कर रहा है, ठीक है, और बेनेवोलेंट डेट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ हैकिंग और वायरस को, कॉम्पिटेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिक्योरिटी पॉलिसीज। इस तरह की जो चीज़ें हैं इन वर्ड्स का आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा क्योंकि हम इस कोर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। आगे वो कह रहे हैं, ओवर द पास्ट टू डिकेड्स हाउएवर कंप्यूटिंग हैज़ प्रोलिफरेटेड इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड द स्प्रेड ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वॉर्म वायरस एंड बॉटनेट्स हैव बिकम एन इंक्रीजिंग थ्रेट। कि जो पिछले टू डिकेड से 20 ईयर्स तक, ऑलमोस्ट 10 to 20 ईयर्स में वो कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया जिससे हमारे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी थ्रेट्स मिलते हैं, लाइक हमारा डाटा हैक हो जाता है, हमारा डाटा किसी ने करप्ट हो जाता है या हमारा डाटा हम एक्सेस नहीं कर पाते, किसी और की एक्सेस में चला जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं, दिस डेवलपमेंट इंडिकेट अ फेलियर इन सम ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशंस डेट अंडरपिन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड डेट अ न्यू व्यू ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ लॉन्ग ओवरड्यू। कि हमारी जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो अभी तक बड़े अरसे से ओवरड्यू है। हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उसी तरह हमारे थ्रेट्स का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके अपनी
सिक्योरिटी को बढ़ाएं, अपनी सिक्योरिटी पे ट्रस्ट करना सीखें कि दैट इज़ आवर सिक्योरिटी सिस्टम एंड दैट इज़ प्रिवेंट आवर एवरी थ्रेट। अब वो कह रहे हैं कि इस पेपर में क्या डिस्कशन है, इन दिस पेपर वी एग्जामिन ट्रेडिशनल मॉडल पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर द फंडामेंटल अजम्पशंस में फेल। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारी फंडामेंटल अजम्पशंस फेल हो रही हैं वहाँ पे हमने देखना है, वहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि हम डिफरेंट जो हमारे पास मॉडल्स हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हैं या डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, हमने उनको एग्जामिन करना है कि इनको कहाँ कहाँ हम यूज़ेबल ला सकते हैं, इनको किन एरियाज़ में हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पेपर में हम ये डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा जो ट्रस्ट लेवल है सिक्योरिटी पे वो बढ़ जाए। क्लियर? इन पर्टिकुलर वी आइडेंटिफाई एरियाज़ वेयर द हार्ड सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन द डिफरेंट एजेंट्स इन द सिस्टम एंड सर्टेन एक्सटर्नल एजेंट्स हु इन्फोर्स द लेजिस्लेटिव एंड कंस्ट्रक्चुअल फ्रेमवर्क। अब इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि हमारे लिए ट्रस्ट लेवल बढ़ाना या अपना ट्रस्ट लेवल मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई आपको हमें आगे कहे कि मैं ये मेंटेन कर सकता हूँ, आप मुझे अपना सारा डाटा दें, मैं इसको सिक्योर कर सकता हूँ, तो हमारे सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट लेवल। हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा होता कि हम किसी अननोन पर्सन के हवाले अपना डाटा सिक्योरिटी के लिए कैसे सेट कर दें या इसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह दे दें। फर्स्ट थिंग इज़ ट्रस्ट, ठीक है। और एक और चीज़ जो है वो डिस्कशन में ये है, लेट्स सपोज की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसकी जो सारी आइडेंटिफिकेशन और सारा उसका कुछ ना कुछ ऐसा सिक्योरिटी रखते हैं, ये डेट इज़ अ पॉइंट ऑफ ट्रस्ट बिकॉज डेट इज़ अननोन पर्सन एंड वी डोंट नो अबाउट हिम, सो वी हैव एन आइडिया फॉर द ट्रस्ट लेवल विद सम एग्रीमेंट साइन और समथिंग डिड। हम किसी ऐसे अन पर्सन के हवाले हर चीज़ नहीं कर सकते, तो ये ट्रस्ट लेवल एक होता है, ठीक है। ट्रस्ट इज जनरली कंसीडर अ सॉफ्ट सिक्योरिटी प्रॉपर्टी, सो बिल्डिंग अ हार्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑन ट्रस्ट विल एट मोस्ट गिवन अ स्पॉन्गी रिजल्ट अनलेस द अंडरलाइंग ट्रस्ट अजम्पशन आर मेड फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ द सिक्योरिटी मॉडल। In the most of work is computer security, trust assumptions are implicit and they will be surely fail when the environment of the system change. That is when system are used on the global scale on the internet. अब वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट के भी कुछ लेवल्स होते हैं, ये जो है ये फेल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आपका कहीं इन्वायरमेंट चेंज होता है इट वुड बी फेल। जो आप जिस सिस्टम के साथ जिन मैकेनिज्म के साथ आप अपना ट्रस्ट लेवल स्टार्ट करके अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपना सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके वही हालात हों या आगे जाके वही मैकेनिज्म हो या आगे जाके वही चीज़ें चल रही हों, मे बी योर पॉइंट विल बी चेंज, तो आपको ट्रस्ट लेवल भी चेंज हो जाता है, तो जो हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी है वो उसको रिलाई नहीं कर रहा होता। वो कह रहे हैं कि वे आर्ग्यू डेट मेकिंग सच अजम्पशंस अबाउट ट्रस्ट एक्सप्लिसिट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी एंड आर्ग्यू वाई द फॉर्मलाइजेशन ऑफ कंप्यूटेशनल ट्रस्ट इज नेसेसरी व्हेन वी विश टू रीजन अबाउट सिस्टम सिक्योरिटी। तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने ट्रस्ट को मेनटेन करें। अपने सिक्योरिटी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वी डिवेलप वी इस्टेब्लिश वी रिलाई ऑन आवर ट्रस्ट बिल्डिंग सिस्टम। हमारा किसी भी काम करने से पहले ट्रस्ट लेवल जो है वो अच्छे से बिल्डअप होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं चलती हूँ सबसे पहले लास्ट पे कंक्लूजन पे, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड द पेपर। अब ऑब्वियसली अगर मैं आपको 20 पेजेस का एक पेपर दे देती हूँ, 30 पेजेस का, और आपको मैं कहती हूँ कि इस पेपर में क्या लिखा है, उसको पढ़ते पढ़ते आपके लिए तो 2 दिन रिक्वायर्ड होंगे, एक दिन 10 घंटे लगा देंगे, तो वो विद इन द 5 to 10 minutes में आपने अंडरस्टैंड करना हो कि इस पेपर में वाकई क्या है। सबसे पहले आप चेक पढ़ते हैं कि इसमें वर्क क्या हो रहा है, टेक्निक क्या यूज़ हो रही है, एंड एट द एंड फिर आप कंक्लूजन पर चले जाते हैं और आपको आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली इस पेपर में बात किस चीज़ की हो रही है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो तो बाद की बात है,
लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअली ये रिसर्च पेपर या ये वर्क किस चीज़ पे हुआ है, उसको देखने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है। सो कंक्लूजन में देखते हैं, इन दिस थॉट प्रोवोकिंग कीनोट डेट फर्स्ट ERCIM वर्कशॉप ऑन सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट मैनेजमेंट। अभी कुछ टेक्निक्स होंगी या जो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पेपर में देखने पड़ेंगे, क्या यूज़ हुए हैं, क्यों यूज़ हुए हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं, डायरेक्टर गोलमैन एक्सप्लेन वाई ट्रस्ट इज़ बैड फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, ये एक बंदे ने कहा है कि वाई ट्रस्ट इज़ बैड फॉर सिक्योरिटी, में ट्रस्ट जो है वो बैड क्यों है। द मेन ट्रस्ट थ्रस्ट ऑफ हिज आर्गूमेंट इज़ दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट इज़ एक्सट्रीमली ब्रॉड एंड एम्बिगुअस। कि जो हमारा ट्रस्ट है वो ब्रॉड है, एम्बिगुअस है। अच्छा, वो कह रहे हैं, इन पर्टिकुलर ही पॉइंट आउट द वर्ड ट्रस्ट हैज़ ऑफन बीन मिस अप्रोप्रिएट बाई द कंप्यूटर सिक्योरिटी कम्युनिटी टू डिस्क्राइब टेक्नोलॉजी डेट प्रोवाइड नाइदर ट्रस्ट नोर सिक्योरिटी इन एनी ग्रेट वे। अब जो उनकी रिसर्च है उसे उन्होंने कंक्लूड किया है कि ट्रस्ट इज नथिंग, जो है आपका ट्रस्ट जो है वो मिस अप्रोप्रिएट है कंप्यूटर सिक्योरिटी में। कंप्यूटर सिक्योरिटी में कभी भी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एज सच हिज आर्गूमेंट आर वेरी सिमिलर टू द क्रिटिक ऑफ टेक्निकल ट्रस्ट टेक्नोलॉजी डेट वी प्रेजेंट इन सेक्शन 3। वो अब सेक्शन 3 में हम अभी चलते हैं, फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की थी। बट वी आर्ग्यू डेट मोस्ट एग्जिस्टिंग हार्ड सिक्योरिटी अब्स्ट्रक्शन आर रियली फाउंडेड इन ट्रस्ट। दिस मे बी ट्रस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर द टेक्निकल स्टाफ डेट मेंटेन द सिस्टम द यूजर हु रन प्रोग्राम इन द सिस्टम। और एंड पर उन्होंने कहीं, इन ओवर व्यू वी नीड टू मेक ट्रस्ट दैट फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ अवर सिक्योरिटी मॉडल इफ वी आर द सक्सेसफुल लीडर अबाउट द सिक्योरिटी ग्लोबल कंप्यूटिंग सिस्टम। दिस रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल मॉडल ऑफ ट्रस्ट बोथ क्वालिटेटिव एंड। अच्छा, अब वो कंक्लूड क्या कर रहे हैं इन सब वर्ड्स में, कि वो ये कह रहे हैं कि पहले तो कुछ रिसर्चर्स ने ये कहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी में ट्रस्ट वर्ड होना ही नहीं चाहिए। ये कहीं पे भी हमारी सिक्योरिटी ब्रेकआउट हो सकती है, कहीं पे भी हमारा थ्रेट्स आ सकते हैं। बट उन्होंने कहा है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ट्रस्ट को बिल्डअप करें, अपनी सिक्योरिटी मॉडल्स में ट्रस्ट को लाएँ, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर की तरफ कि आखिर उन्होंने पेपर में डिस्कस क्या किया। वी डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पढ़ती हूँ। उसमें कहने के, मोर सिक्योरिटी मॉडल्स आर प्रोसेस पॉलिसीज एंड द टेक्नोलॉजीज नीडेड टू सपोर्ट दीज मॉडल्स एंड इन्फोर्स दीज पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी अब्स्ट्रक्शन डेट हैव इमर्ज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ दी सिंगर। अब इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में बताया है कि सिक्योरिटी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आई होप सो कि उसमें सारी चीज़ें वही हैं। इसमें थोड़ी सी ये बताया हुआ है, दिस अथॉरिटीज रूटेड इन क्रिमिनल सिविल और मिलिट्री ट्रा विच रिक्वायर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन एजेंसीज। कुछ एजेंसीज के लिए भी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पर हमारी जो फौज है या आर्मी है उसके लिए सिक्योरिटी इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। उसके लिए हमें अपनी कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी बहुत हाई रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे जो डिस्कशन वाली चीज़ है उसमें है एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल जो हमने डिस्कस किया था कि आपकी एक्सेस जो है किसी चीज़ की, उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि एक जो राइट पर्सन है वो अपने राइट को एक्सेस कर सके। क्लियर? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आर डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर फॉर एक्सेसिंग रिसोर्स managed by system and to limit the access of authorized user to exactly those operation allowed by the access control policy। अब वो ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा सिस्टम में डिज़ाइन करना चाहिए जो हम, मतलब कि लेट सपोज उसमें एक्सेस को हम कंट्रोल कर सकें। अगर हमारा लैपटॉप है उसमें पासवर्ड की ऑप्शन ना आए तो हमारे लैपटॉप को कोई भी ओपन करके एक्सेस कर सकता है, उसमें जो हमारा डाटा है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उस एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम उसने उसमें पासवर्ड लगाया है ताकि वो जो पासवर्ड होगा वो सिर्फ हमें पता होगा, वो किसी और को नहीं पता होगा। अगर वो हम किसी और को बताएंगे, इट्स मीन कि वी गिव द एक्सेस टू हिम और हर, हम खुद उसको एक्सेस दे रहे हैं। तो ये है एक्सेस कंट्रोल। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, अब हमारे पास सब्जेक्ट है, हम लेट्स सपोज फेसबुक के लिए एक्सेस रिक्वेस्ट करते हैं अपनी लॉगिन और पासवर्ड लगा के, हमें इसी एक्सेस चाहिए।
रेफरेंस मॉनिटर है वो इंटरप्रेट करेगा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ को, यानी चेक करेगा कि पासवर्ड ठीक है, इसकी ईमेल ठीक है, अगर तो नहीं है तो वो डिनाई कर देगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, अलाउ करेगा और आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी फेसबुक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरह सारे जीमेल जो भी आपकी सिक्योरिटी लेवल्स हैं उनमें क्या करेंगे कि यही मैकेनिज्म वर्क करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं द इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज रिलाइज ऑन रेफरेंस मॉनिटर, कि रेफरेंस मॉनिटर पे रिलाई कर रहे थे जो हमें मॉनिटर कर रहा था, जो हमारी सिक्योरिटी को मॉनिटर कर, विच इज़ अ सेंट्रल कंपोनेंट डेट मेडिएट्स ऑल एक्सेस टू एंटिटी मैनेज्ड बाय द सिस्टम, कि हमारे सिस्टम की तमाम चीज़ों को वो हैंडल कर रहा होता है। आगे कह रहे हैं द एक्टिव एंटिटीज़ आर नॉर्मली कॉल्ड सब्जेक्ट, जो हमारी एक्टिव एंटिटीज़ हैं जो हमें एक्टिव करने को उसको कहते हैं सब्जेक्ट, एंड द पैसिव एंटिटीज़ आर नॉर्मली कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो पैसिव हैं जिन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट जिस चीज़ों को एक्सेस करते हैं वो क्या हैं, हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं। वैन ऑब्जेक्ट रिजाइड ऑन सेवरल नोड्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देन द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म मस्ट हैव रेफरेंस मोनिटर ऑन ईच ऑफ दीज नोड्स, कि ऑब्वियसली अब हमें एक जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव एंटिटी है वो हमारी पैसिव एंटिटी को एक्सेस करे तो वो क्या करेगा, रेफरेंस मोनिटर जो है वो सारा मोनिटर करेगा और उसको इंटरप्रेट करके डिनाई करेगा या अलाउ करेगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रेफरेंस मोनिटर, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल में ये है। अब उसमें कह रहे हैं कि द फिगर शोज अ सब्जेक्ट विच रिक्वेस्ट टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट इज पर्टिकुलर, अब ये ट्रस्ट इसमें कैसे है, अब ये ट्रस्ट में क्यों यूज़ हुई है, ट्रस्ट लेवल में इसलिए यूज़ हुई है क्योंकि इसमें एक्सेस कंट्रोल है, हमें उस पर ट्रस्ट हुआ है कि इसने सही अपने राइट्स यूज़ किए, यानी अगर आपने लेट्स सपोज अपनी ईमेल अकाउंट या अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक लगाया है, इट्स मीन कि यू ट्रस्ट सिस्टम ट्रस्ट ऑन यू कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक दी है, तो अब आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, आगे हैं टेक्निकल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। ये टेक्निकल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी में ट्रेडिशनल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज रिलाई ऑन ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र रिक्वेस्टिंग द एक्सेस पर्टिकुलर रिसोर्स, कि हमें कुछ टेक्निकल ट्रस्ट के लिए वो कह रहे हैं कि कुछ एक्सेस पॉलिसीज जो हैं हमने बनाई हैं उनको देखते हैं कि दिस मीन डेट द सिस्टम हैज़ टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, ऑब्वियसली हमें सिस्टम में कोई आइडेंटिटी एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे को आइडेंटिफिक हमारा यूज़र नेम होगा, फिर उसको वेरिफिकेशन के लिए हमें पासवर्ड लगाना पड़ेगा जैसे कि वो ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक है, और ये आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन नॉर्मली वो कह रहे हैं कि लॉगिन प्रोसेस होता है, ठीक है, लॉगिन प्रोसेस है, उसमें आइडेंटिफिकेशन भी होती है हमारी, ऑथेंटिकेशन भी होती है। क्लियर, तो ये सारे टेक्निकल ट्रस्ट हैं इनमें सिक्योरिटी यूज़ हो रही है। अब इस एक्सेस कंट्रोल इन प्रैक्टिस में क्या है कि हम अगर इनरोलमेंट एंटर करते हैं तो वो ऑथराइजेशन के पास जाता है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी से इंटरप्रेट करता है रेफरेंस मॉनिटर से, वो अलाउ करती है या एक्सेस करती है, जब और अगर फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए वही पर्सन एक तो इनरोलमेंट करता है और दूसरा यानी आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरा ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन भेजता है, फिर एक्सेस कंट्रोल होती है वो अलाउ या डिनाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो या आइडेंटिफिकेशन हो दोनों रेफरेंस मॉनिटर से ही हैंडल हो रहे हैं। क्लियर, अब इसमें देखते हैं इनरोलमेंट क्या है। देर आर टू स्टेप्स ऑफ इनरोलमेंट, इनरोलमेंट इज अ सिस्टम डेट इज अकाउंट क्रिएशन मेंशनड अबव, जब हमने एक अकाउंट किसी चीज़ में रजिस्टर्ड होते हैं, फेसबुक का अकाउंट बनाना हो या जीमेल का अकाउंट जब हमने लॉगिन करना, उससे पहले हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसमें इनरोलमेंट करते हैं, एंड इनरोलमेंट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ही है। जीमेल पे करते हैं तो जीमेल, गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक वालों की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हम पहले इनरोल करते हैं, फिर अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए हम लॉगिन और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनरोलमेंट इज द सिस्टम इज नॉर्मली द ओनली टाइप ऑफ इनरोलमेंट नेसेसरी फॉर पर्सनल और स्टैंड अलोन सिस्टम, कि ये तो आपकी पर्सनल भी हो सकती है और किसी भी एक सिस्टम की भी हो सकती है। वाइल सम फॉर्म ऑफ इनरोलमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन इन नेसेसरी व्हेन यूजर रजिस्टर ऑन अ वेबसाइट सब्सक्राइब टू सर्विस और गेट हायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इन मोस्ट केसेस सक्सेसफुल इनरोलमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोड बाय इनरोलमेंट इनटू सिस्टम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो इनरोलमेंट है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, आप उनको इनरोलमेंट करते हैं, फिर वो ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के थ्रू वो क्या करते हैं आपकी
आपको एक सेल्फ कंट्रोल देते हैं कि यस आपको ये लॉगिन आपका ही जो है आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपने साइन अप कर लिया है, अब आपका अकाउंट बन गया है। ये भी सारा रेफरेंस मॉनिटर के थ्रू होता है। लेकिन अगर कहीं भी आपकी कोई मिस हो गई है कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करते हैं आपको डिनाई भी कर सकता है रेफरेंस मॉनिटर। तो ये सारा जो है इसमें। और ऑथोराइजेशन का क्या वर्क है अब आगे, वन द यूज़र हैज़ बीन इनरोल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन द एचआर डिपार्टमेंट विल इनिशिएट द इनरोलमेंट। वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा यूज़र जो है हमारे पास इनरोल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है उसको इनिशिएट करता है इनरोलमेंट के लिए, और उसकी डिफाइन करता है ऑथोराइजेशन ऑफ द यूज़र। के ऑथराइजेशन डिफाइन करता है उसको, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट होता है, स्पेसिफाई द इनिशियल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द यूज़र। यूज़र जो है उसका इनिशियल जो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है उसको फॉलो अप करके उसको करता है। अच्छा आगे वो कह रहे हैं कि दिस पॉलिसी इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द फंक्शन डेट अ पर्सन इज हायर टू परफॉर्म एंड विल ग्रांट नेसेसरी एक्सेस टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड यूज़र मे नीड टू फंक्शन इन हिज न्यू जॉब। अगर आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो किसी न किसी वजह से हो रहे हैं, फिर आपने उसको लॉगिन करना होता है, वो आपको एक्टिव पर्सन कर देते हैं कि आप अब नाउ यू आर द एक्टिव पर्सन, अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अब आप अपनी जॉब कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है इस पॉइंट को आपने, ये क्या कहते हैं इनरोलमेंट के बाद होता है, इनरोलमेंट के बाद आपने ऑथोराइजेशन जो है, ऑथोराइजेशन पर्सन होते हैं वो उनके पास अथॉरिटी होती है कि ये रजिस्टर्ड हुआ उसने उसको एक एक्टिव पर्सन कर दिया है, उसको अपनी जॉब कंप्लीट की है, अपना काम कंप्लीट किया है कि उस पर्सन को रजिस्टर्ड कर दिए। आगे है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बारे में हमने 2-3 लेक्चर आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उसमें यह है कि ऑथेंटिकेशन इज़ अ बाइंडिंग प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इफ़ इट सक्सेसड एसोसिएशन द यूज़र UID विद द सब्जेक्ट वाइल द ऑथेंटिकेशन कम्युनिटी एक्सेप्ट डेट दे मे बी सम अनसर्टेनिटी विद द ऑथेंटिकेशन। यस, ऑथेंटिकेशन ये होती है कि अगर आपका पास आईडी कार्ड है, आपको अगर आईडी कार्ड एंटर किया जाए तो वो ऑथेंटिकेट करे कि यस ये इस फॉर्म का, इस कंपनी का, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, क्योंकि वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए ही आपको पासवर्ड देना पड़ता है। खाली आप यूज़र नेम या अपनी ईमेल आईडी एंटर करें तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि यस अगर आप अपनी ईमेल आईडी मैं अपनी ईमेल आईडी amarakbar@gmail.com जो भी एंटर करूँ, तो ये कहते हैं यस आई नो कि आप हमारे हक पर हैं, लेकिन हमें ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, अपना पासवर्ड एंटर करें। तो दिस इज़ द ऑथेंटिकेशन। आगे वो ये इस लाइन को पढ़ते हैं, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वे यूज़र आर ऑथेंटिकेटेड ऑन रिमोट कंप्यूटर, द यूज़र क्रेडेंशियल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड श्योरली फ्रॉम द होस्ट। वो कह रहे हैं कि जितने भी आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, यानी आपके सर्टिफिकेट्स या आपकी जो भी चीज़ें एंटर होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन, वो सारी बिल्कुल परफेक्ट या ठीक होनी चाहिए, फिर ही आप क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। क्लियर। फिर आगे कह रहे हैं एक्सेस रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन, कि उसकी एक्सेस की वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट, जब आपने लेट्स सपोज कोई सी फेसबुक अकाउंट बनाया तो उस पर कोई अपना जीमेल अकाउंट लिखा है, फिर आपको जीमेल पे एक ईमेल आती है किसके लिए, कि आपकी जो वेरिफिकेशन कर दें कि आप ही राइट पर्सन हैं जिन्होंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया है इस ईमेल वाले ने, ठीक है। तो कहीं भी आप रजिस्टर्ड हों तो आपको आपकी जीमेल या जो भी याहू कहीं भी आपको ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आती है, फिर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आपको ऊपर ऑप्शन आ रही होती है कि आप वेरीफाई हो गए हैं, आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, अब आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, ठीक है। एक्सेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द लोकल नोड आर नॉर्मली पास टू द रेफरेंस मॉनिटर इन सिस्टम कॉल विच कैन बी कंसीडर अ सिक्योर मैकेनिज्म, कि इसको सिक्योर मैकेनिज्म में कंसीडर किया जा सकता है कि वाकई जो ईमेल आईडी एंटर की हुई है रजिस्टर्ड होने के लिए, वो ईमेल आईडी सही पर्सन की है कि नहीं, वो ईमेल आईडी को वो बंदा एक्सेस कर भी सकता है कि नहीं, इसी वजह से वो आपको लिंक के थ्रू क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि इफ़ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिजाइड ऑन अ डिफरेंट होस्ट इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी टू कंसीडर अ सिक्योरिटी ऑफ क्रेडेंशियल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एज डिस्कस अबव, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डेट होस्ट वेयर द सब्जेक्ट रन हैज़ बीन कंप्राइज्ड वाइल द होस्ट वेयर द ऑब्जेक्ट रिजाइड रिमेन्स सिक्योर, कि सिक्योरिटीज़ जो हैं आपकी इस तरह हैंडल हो सकती हैं जिस तरह आपके कोई ना कोई आपको थ्रेट से आप बच सकती हैं, ठीक है। आगे आप इसको खुद ही गो थ्रू कीजिएगा, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सोशल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी,
कि इस तरह सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट है जो सिक्योरिटी में होता है वो कैसे होता है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी एग्जामिन मैनी ऑफ द करंट सिक्योरिटी एब्स्ट्रैक्शन एंड आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ एरियाज वेयर द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन ट्रस्ट वेस्टेड इन द डिफरेंट सिस्टम कॉम्पोनेंट्स। में वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जो है सिक्योरिटी जो है इसमें डिपेंड करते हैं डिफरेंट एरियाज में, जो कि वो कह रहे हैं हम एग्जामिन करते हैं कुछ फैक्टर्स को, ठीक है, जो कि कंस्ट्रेंट जो रिलाई कर रहे थे यूज़र को उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी, ताकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो वायलेट ना हो, ठीक है। तो हमें उस पर ट्रस्ट फैक्टर्स कुछ रखने चाहिए। वो कह रहे हैं कि दीज फैक्टर डैट वी बिलीव आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स आर ह्यूमन यूज़र आर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं टमाटर ट्रस्ट मैनेजमेंट। येस ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन्फ्लुएंस फ्रॉम कोलीग एंड सोशल नॉर्म्स इन सोसाइटी द प्रिविलेंट मॉरल एथिक्स एंड समटाइम रिलीजन इन द सोसाइटी लेजिस्लेशन एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज दिस। तो ये डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोशल ट्रस्ट जो है इसमें सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाती है। अब ये देखें रियल कंस्ट्रेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सबसे पहले वो कह रहे हैं कोलीग्स एंड सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इन पे भी हमें ट्रस्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट है इनमें भी ट्रस्ट लेवल हाई होना चाहिए। लेजिस्लेशन है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हैं, मॉरल एथिक्स एंड रिलीजन जिसमें हैं, और यूज़र के इर्द गिर्द ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जो चार हैं, मैनेजमेंट कोलीग एंड सोशल नॉर्म, मॉरल एथिक्स एंड रिलीजन, लॉ इन्फोर्समेंट, लेजिस्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारे ये अहम चीज़ है। आगे मैनेजमेंट में वो क्या कह रहा है, सबसे पहले अब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ से पढ़ूंगी, बाकी मैंने आपको बता दिया। मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट इज़ द रूट ऑफ अथॉरिटी फॉर द वर्क ऑन सिक्योरिटी इज ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी काम करने का जो रूट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट है जो सब कुछ हैंडल कर रही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका ट्रस्ट लेवल हाई होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इट डिफाइंस द ओवरऑल सिक्योरिटी पॉलिसी, ओवरली सारी पॉलिसीज वही डिफाइन, मैनेजमेंट ही डिफाइन करती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी वायलेशंस, उसकी एलोकेट रिसोर्सेज, उसकी इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी, सब कुछ जो है वो मैनेजमेंट ही हैंडल करती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बाई स्पेसिफाइंग द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कम्युनिकेटिंग देम ऑल यूजर सिस्टम मैनेजमेंट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि सारी एक्सेप्टेबल बिहेवियर हमें रिस्पेक्ट जो है मैनेजमेंट के लिहाज से ये होने चाहिए। आगे जो इंपॉर्टेंट है कोलीग एंड सोशल नॉर्म, वो कह रहे हैं ह्यूमन एंड सोशल एनिमल्स, सो मोस्ट यूजर विल ट्राई टू अडेप्ट बिहेवियर टू सोशल नॉर्म इन्वायरमेंट। ओवरऑल जो यूज़र है, हमारे कोलीग्स हैं, हमारा सोशल सर्कल है, वो भी ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए, ठीक है। आगे जो है वो कह रहे हैं मॉरल्स, एथिक्स एंड रिलीजन्स, अ पर्सनस नो मॉरल्स एंड वैल्यूज आर प्रेडोमिनेंटली शेप्ड बाय द एथिक्स एंड रिलीजियस ऑफ द सराउंडिंग सोसाइटी इन दैट पर्सन ग्रो अप, कि एक पर्सन की में मॉरल्स और एथिक्स और उसका रिलीजन बिहेवियर भी अफेक्ट करता है, उससे भी हमारा ट्रस्ट लेवल जो है काफ़ी बढ़ जाता है या बहुत कम होता है, उससे भी हम अपना आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आगे लेजिस्लेशन है, उसमें वो कह रहे हैं सिमिलर टू अफेक्ट ऑफ मॉरल एंड एथिक्स, जिस तरह हमें मॉरल और एथिक्स इफेक्ट करते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज हैव डेवलप डिफरेंट लॉज ऑन डील्स विद में, तो डिफरेंट सोसाइटीज हैं उन्हें डिफरेंट लॉज होते हैं जिससे वो डील करते हैं, डिफरेंट इश्यूज को हैंडल कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसीज आर नॉर्मली एक्सटेंशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो इसी को आगे लेकर चलती है और स्पेसिफाई रूल डिफाइन करती है और उन्हीं रूल्स को हम लेके देख आगे हैं। वो कह रहे हैं कि टैसिट नोटेशन ऑफ डेट इज लीगल एंड इलीगल आर ऑफन इंपॉर्टेंट व्हेन सिक्योरिटी पॉलिसीज आर डिफाइंड, बट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन सच एज कॉपीराइट प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रिमिनल लॉ मे बी वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लॉज हैं, क्रिमिनल्स उनके रूल डिफरेंट हैं, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि चार्जेज हैड टू बी ड्रॉप्ड अगेंस्ट द फिलिपीन अथॉर ऑफ आई लव यू वायरस इन 2000 बिकॉज देर आर नो लॉज इन फिलिपीन अगेंस्ट राइटिंग मेलवेयर एट द टाइम। ये कुछ है कि उन्होंने क्या कि फिलिपीन में एक ये लॉ है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक आई लव यू के नाम से एक वायरस है 2000, ठीक है, उसको
उसे कुछ चार्जेस या फाइन रखे हुए हैं, ठीक है, या लेजिस्लेशन। अब इन्फोर्समेंट क्या है? लॉज एंड पॉलिसीज आर नॉट इफेक्टिव इन्फोर्स बिकॉज डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट डेट पीपल ऑब्जर्व एंड इट इज़ कन्वीनियंट। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये इफेक्टिव जो हम लॉज और पॉलिसीज बनाते हैं ये भी इतने इफेक्टिव नहीं है जब तक लोग इनको फॉलो ना करें, लोग इसमें ईजी ना रहें। तो अफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज रिक्वायर्ड एट इन्फोर्समेंट एजेंसीज इक्विप्ड विद सफिशिएंट रिसोर्स। कि इनको इन्फोर्स वक्त जब हमें सफिशिएंट रिसोर्स दिए जाएंगे, हमें सफिशिएंट रिसोर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि इट इज़ जनरली सिंपल फॉर वेल रिसोर्स सिक्योरिटी एजेंसीज। ये सारी इन्फोर्समेंट के बारे में उन्होंने डिस्कशन की है, ठीक है। तो अब देखें कि ये जो है इन्फोर्समेंट हमारा, सॉरी, ये जो है सोशल ट्रस्ट इनसिक्योरिटी और क्या इसमें है सोशल एंड टेक्निकल ट्रस्ट इनसिक्योरिटी, टेक्निकल ट्रस्ट इनसिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, डेट इज़ दो इम्पोर्टेंट जिसके हमने आगे उनके पार्ट्स पढ़े हैं। टेक्निकल में हमने इनरोलमेंट, अथोराइजेशन, अथेंटिकेशन, जो कि हमने पहले भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये इसके लिए एक्सेस कंट्रोल और एक्सेस रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन है, उसके बारे में पढ़ा है। और फिर सोशल ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, मैनेजमेंट के बारे में, कोलीग्स एंड सोशल नॉर्म्स के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में, और लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में, मॉरल एथिक्स एंड रिलीजियस के बारे में। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ट्रस्ट लेवल इन सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विदाउट दीज थिंग्स वी कुड नॉट मैनेज और हैंडल अवर सिक्योरिटी सिस्टम। क्लियर? अब इस पेपर को आपने कंप्लीट पढ़ना है। मैंने जो थी की पॉइंट्स थे वो इसलिए डिस्कस किए थे क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब मिड्स के बाद आपको एक ग्रैंड असाइनमेंट दूँ ताकि उसमें जो है आप इसी पेपर्स को अपडेट करें, यानी कोई ऐसा टॉपिक हो इसी तरह इसमें, या तो इसको थोड़ा सा इसका लेवल एक्सटेंड करूँगी, या इसमें से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ना उस पर आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा इसी तरह का, कि आपकी अपनी रिसर्च के। रिसर्च पेपर का मतलब होता है कि आप डिफरेंट सोर्स ऑफ थिंग्स से चीज़ें पढ़ते हैं और उसका बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं कि इस पे ये चीज़ें ऐसे हैं और अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये इससे मैंने पेपर उठाया था, ठीक है। ये पेपर जो था ये क्रिश्चियन जैनसन एक रिसर्चर है, उन्होंने लिखा था और 14 अक्टूबर 2016 में ये सबमिट हुआ था, तभी पब्लिश हुआ था। तो इस वजह से इसी तरह आपने भी एक रिसर्च पेपर इसी तरह लिखना है। और ये बिलोंग करता है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के स्टूडेंट से जिन्होंने ये पेपर लिखा था। क्योंकि ये पब्लिकेशन होती हैं आप सिमिलैरिटीज नहीं उठा सकते, डेट इज़ इनलीगली, डेट इज़ ऑल्सो एथिकल एंड इनलीगल इन द सिक्योरिटी। अगर मैं इस पेपर को सेम वो पब्लिश भी नहीं हो सकता डेट वो जो कि हमारी उसमें ये जब हम उसको चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉपीराइट्स आ जाएंगे, कॉपीराइट्स के इशू आ जाएंगे। क्लियर? तो हमारी जो प्लेजरिज्म है वो भी बढ़ जाएगी। इस वजह से हमने दूसरों की रिसर्च से पढ़ के उसकी ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग अपने अपना ओपिनियन लिखना होता है। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।